नमस्कार दोस्तों वेदांक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है एन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आ गए हैं पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें आज पार्ट दो यानी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण फिर से हम हल करने वाले हैं बिना देरी के बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न पहला है कल के प्रश्न में आपको ब्रीफ में दिखा देता हूँ स्वमोह का प्रकार है तो इसमें हमने ए ऑप्शन बताया था विकास निम्नलिखित में से होता है समस्त मानवीय क्षमताओं शक्तियों का विकास ऑप्शन डी विकास की प्रक्रियाओं की जो निरंतरता का सिद्धांत है सतत चलने वाला सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया फ्राइड ने जो बालक में इलेक्ट्रा व ऑडिपस बालिका में ग्रंथियाँ होती है ठीक है इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियाँ होती है चार से छः वर्ष में उन्होंने बताई है अभिवृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन परिवर्तनों से संबंधित है तो वो शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो विकास में प्रत्येक अवस्था के जोखिम होते हैं यह सत्य बताया था हमने विकास भीतर से बाहर की ओर होता है ये भी सत्य बताया था बालक बालिका में विकास की दर समान होती है ये यहाँ पे असत्य कथन है तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा शेषवावस्था के जो शेषवावस्था है उसे सर्वोत्तम अवस्था बताया किन ने तो फ्रायड एडगर डेल वैलेंटाइन गुड एनफ तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी का मतलब ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा तो ये कल के प्रश्न थे व्यक्ति का आनुवांशिकता में जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित होगा तो शुक्र और बीजकोष दोनों होंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक का जो भाषाई विकास किस समय या किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है तो उन्होंने चार अवस्थाएं बताई थी गामक पूर्व मूर्त अमूर्त तो वहां पर जो तीसरी अवस्था है इसमें भाषा का विकास पूरा हो जाएगा शुरू पूर्व अवस्था में होगा ठीक है ये दो वर्ष से छह वर्ष तक चलती है तो वर्ष की बात है ये सात से बारह वर्ष चलेगी तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था विकास निम्नलिखित में से कैसी परिवर्तन श्रृंखला है तो व्यवस्थित भी है परिपक्वता में प्राप्ति में सहायक भी है और जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती है ऑप्शन डी गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं चारों तीनों हैं डिम्बावस्था भूण गर्भस्थ शिशुकाल उपयुक्त सभी चलिए तो आज प्रश्न होने वाला है नेक्स्ट बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है यह किसने कहा है फ्रायड ने किल पैट्रिक ने रोस ने या काल ब्रूस ने तो ये जो उक्ति है या बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी जो निर्माण होना है जीवन का वो बाल्यावस्था में होता है और यह, यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है मैं आपको यहीं पर तीन से चार चारियां या तीन से चार वाक्य भी बता देता हूँ जो बहुत काम के हैं जैसे रॉस के बारे में आपको ध्यान रखना है बाल्यावस्था को इन्होंने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल मिथ्या या आभासी आभासी मतलब एक आभास होता है अभिभावक को कि मेरा हमारा बच्चा बढ़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है काल ब्रूस जो कहते हैं जीवन का अनोखा काल मतलब एक मैजिक है ये अनोखा काल है जो वापस कभी नहीं आता है जीवन का अनोखा काल कहा है काल ब्रूस ने ठीक है रोस मिथ्या परिपक्वता कहते हैं विकास की स्थिरता स्थिरता भी कह सकते हैं यानी स्थिर हो जाता है विकास ठीक है मिथ्या आभासी झूठा छदम कई सारे नाम हैं ठीक है आराम से याद रह जाएगा किल पैट्रिक ने कहा है कि यह समाजीकरण में समाजीकरण समाज के साथ में प्रतिद्वंदात्मक काल है प्रतिद्वंदात्मक काल है ठीक तो है तो प्रतिद्वंद की अवस्था किलपैट्रिक कहते हैं मिथ्या रॉस कहते हैं काल ब्रूस अनोखा काल कहते हैं और फ्रायड कहते हैं जीवन का निर्माणकारी काल निर्माणकारी समय कहते हैं ये ठीक है और एक सिरिल बर्ट है सिरिल बर्ट का नाम ध्यान रखना है यह हालांकि चार ऑप्शन में नहीं है सिरिल बर्ट सिरिल बर्ट ने कहा है कि यह निरुद्देश्य भटकने की अवस्था है निरुद्देश्य भटकना तो निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के बच्चा भटकता रहता है इधर उधर घूमता है खेलता है खूब खेलता तो यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है फ्राइड ने निर्माणकारी काल कहा है काल ब्रूस ने अनोखा काल कहा है रॉस ने मिथ्या परिपक्वता कहा है और किल पैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक कहा है अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है क्या अर्थ है विकास का परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होना परिवर्तन तो होते हैं लेकिन उत्तरोत्तर हो यह कन्फर्म नहीं है परिवर्तन कम भी हो सकते हैं वापस नीचे भी आ सकते हैं उत्तरोत्तर बढ़ने वाले भी नहीं है तो ये तो एक असत्य है विकास का सही अर्थ तो नहीं लगा सकते अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला केवल अभिप्रेरणा से भी हम क्या है ये आंशिक है आंशिक सत्य है ये आंशिक सत्य कथन है ये क्यों आंशिक सत्य है क्योंकि अभिप्रेरणा से तो होता है लेकिन अभिप्रेरणा के साथ में वहां पे आप एक्सपीरियंस परिपक्वता भी शामिल होनी चाहिए ठीक है अभिप्रेरणा प्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हाँ ये सही है कि ये सत्य कथन कह सकते हैं हम हाँ ये विकास का सही अर्थ है और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो परिपक्वता कब आएगी जब बालक का विकास होगा विकास होगा परिपक्वता तक पहुंचेगा और उसके लिए उसे आप विकास करने के लिए क्या क्या देंगे अभी प्रेरित करेंगे उसे अनुभव प्राप्त होगा बालक को तो जब दोनों चीज़ें होती है और उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला बनती है उसे कहते हैं हम विकास होना ठीक है तो सही कथन है यहाँ पे ऑप्शन सी कि अभी प्रेरणा मोटिवेशन और एक्सपीरियंस का जो फल है उस फल के कारण ही विकास होता है और एक श्रृंखला बनती है जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विकास की आधारभूत अवस्था मतलब आधारभूत मतलब जहां से विकास शुरू होता है वो है शेषवावस्था ठीक है बहुत इजी प्रश्न है इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसे करना आसान है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति व्यवस्थित मतलब स्टेप बाय स्टेप ठीक है विद्यार्थी भिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं सत्य है लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं होते हैं विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है क्रमबद्ध होता है ठीक है हो सकता है और विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है क्या ये सही है हाँ विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि नहीं होती है वृद्धि आपस में ये विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि नहीं होगी वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं एक लाइन की तरह मान लो कि जितना विकास होगा उतनी वृद्धि होगी और वृद्धि एक समय रुक जाएगी और विकास भी उसके बाद होता रहेगा तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि नहीं होती है वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास होता रहता है विकास विषम जातीय से स्वायत्ता की ओर अग्रसर होता है विषम जातीय का मतलब होता है इंडिविजुअल से स्वायत्ता मतलब उसमें स्वायत्ता आने लगती है स्वतंत्रता आने लगती है तो यहां पूछा गया है व्यवस्थित मतलब स्टेप बाय स्टेप निरंतर क्रम क्रमबद्ध काम कहा हो रहा है इन चारों में से तो क्रमबद्ध तो यही है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है जो विकास होता है ना वो क्रम होता है उसका क्रम क्या है पहले जो विकास होगा एक मिनट हाँ पहले जो विकास होगा वो शेषवावस्था तक आएगा गर्भावस्था से शेषवावस्था फिर बाल्यावस्था ठीक है और फिर किशोरावस्था फिर प्रौढ़ावस्था इस तरह से अवस्थाएं आती है इसका मतलब ये क्रम है लेकिन क्रम सापेक्ष है पूरी तरह से संपूर्ण रूप से ये क्रम निश्चित है लेकिन फिर भी यहां सापेक्ष बताया हुआ है कि थोड़ा सा अंतर कहें हर सब में तो बी करेक्ट आंसर होगा प्रश्न पूछता है क्रमिक प्रस्तुति कौन देता है तो क्रमिक प्रस्तुति ऑप्शन बी बता रहा है चाइल्डहुड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है तो चाइल्डहुड सोसाइटी जो बनाई इरिक रिक्सन ने बनाई ठीक है इरिक रिक्सन ने चाइल्डहुड सोसाइटी की एक बुक लिखी है एक पुस्तक है चलिए बन आगे बढ़ते हैं इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है तो ये मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं याद रखना है ठीक है मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का हो सकता है लेकिन मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन का है जिन्होंने आठ अवस्थाएं बताई है आठ अवस्थाओं में बहुत मुख्य है ये अवस्थाएं याद रखनी है जैसे एक अवस्था है मुखी अवस्था जो जन्म से डेढ़ वर्ष चलती है ठीक है जन्म से डेढ़ वर्ष चलेगी मुख्य फिर एक गुदी अवस्था आ जाती है गुदी अवस्था जो डेढ़ वर्ष से लेकर के तीन वर्ष तक चलेगी ठीक है फिर गुदी अवस्था के बाद आ जाएगी लैंगिक अवस्था लैंगिक अवस्था जो तीन से पांच वर्ष चलेगी ठीक है और फिर सुप्तावस्था आ जाएगी फिर बालक खेलने में ज्यादा रुचि रखता है सुप्तावस्था उसे भूख प्यास नींद ठीक है ये सब कोई मतलब नहीं है सृजनात्मकता और खेलने में उसकी रुचि होती है छः से बारह वर्ष फिर जैसे ही बारह वर्ष से वो बड़ा होता है किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वहाँ फिर किशोरावस्था एक अवस्था आ जाएगी तो ये नंबर पाँचवीं अवस्था इन्होंने बताई है जो बारह से पंद्रह वर्ष या अठारह वर्ष चलेगी पंद्रह नहीं अठारह फिर एक पूर्व किशोरावस्था बता दी इन्होंने एक पूर्व किशोरावस्था एक उत्तर किशोरावस्था ठीक है पूर्व और उत्तर तो पूर्व किशोरावस्था बताई है इन्होंने और यह चलेगी अठारह से पैंतीस के लगभग ठीक है और प्रौढ़ावस्था बताइए प्रौढ़ फिर बालक प्रौढ़ हो जाएगा और पैंतीस से पैंसठ वर्ष तक प्रौढ़ावस्था चलेगी और फिर अंत में परिपक्व अवस्था हम पैंसठ साल के बाद परिपक्व हालांकि जीवन बहुत छोटा हो गया है अब लेकिन अब पैंसठ वर्ष में परिपक्वता बताई है ये उस समय की बात है जब कहीं सो सत्रहवीं शताब्दी ये मान लीजिए आप उन्नीसवीं सदी में सब ये दिए गए हैं तो उन्नीसवीं और बीसवीं सदी का काम है तो उस समय तो था जीवन इतना बड़ा अभी नहीं है तो आठ अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है मुखी गुदीय लैंगिक सुप्तावस्था किशोरावस्था पूर्वकिशोरावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ परिपक्वता यहाँ मुखीय जन्म से जीरो जन्म से डेढ़ गुदीय डेढ़ से तीन लैंगिक तीन से पाँच सुप्तावस्था छः से बारह बारह से अट्ठारह अठारह से पैंतीस पैंतीस से पैंसठ और पैंसठ से ऊपर स्पीडी लर्निंग अवस्था किसे कहा गया है स्पीडी लर्निंग का मतलब बहुत तेज गति से लर्निंग होती है इस अवस्था में तो तेज गति से लर्निंग वाले अवस्था में तो नहीं होती किशोरावस्था में नहीं होती शेषवावस्था में बहुत तेज गति से लर्निंग होती है बालक तीन वर्ष में ही सारे शब्द बोलना चलना लिखना पढ़ना जहाँ तक लिखना पढ़ना इतना तो नहीं आता लेकिन सब कुछ सीख जाता है जो जीवन जीने लायक तो तीन वर्ष में दो वर्ष में सब कुछ सीख जाता है तो शेषवावस्था स्पीडी लर्निंग कहलाती है, है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है तो मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति स्पीडी लर्निंग की बात हो रही है तो स्पीडी लर्निंग शेषवावस्था वो इंग्लिश में ये इंग्लिश में पूछा गया है ये हिंदी में पूछा गया है कि स्पीडी लर्निंग क्या है मानव विकास की अवस्था में बच्चे की सीखने की गति सबसे ज्यादा शेषवावस्था में होती है कोहलबर्ग के नैतिकता विकास का सिद्धांत याद रखना है कोहलबर्ग ने नैतिक ने विकास का सिद्धांत दिया है जिन्होंने इन्होंने तीन स्तर उसमें भी दो दो तीन अवस्थाओं में दो दो स्तर बताए हैं तो कुल हो गए तीन इंटू दो बराबर छ ठीक है तो छः अवस्थाएं बता दी हैं इन्होंने तीन इंटू दो कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल ठीक है प्री कन्वेंशनल नंबर एक कन्वेंशनल नंबर दो और पोस्ट कन्वेंशनल नंबर तीन जैसे प्री कन्वेंशनल स्तर में तो क्या होता है बालक जैसे आ, काम करता है भय के और दंड के भय से इनमें अवस्था चलती है तो भय और दंड और कन्वेंशनल में क्या होता है अच्छा बालक अच्छी बालिका अवस्था होता है और पोस्ट कन्वेंशनल में यही होता है कि वो बालक नैतिकता सामाजिक नियमों को नैतिक आधार पे और विवेक आधार पे मानता है तो तीन स्तर उन्होंने बताए हैं तीन स्तरों में तीन अवस्थाओं में दो दो स्तर इसमें इंक्लूड है जैसे दो स्तर यहाँ मानेंगे दो स्तर यहाँ होंगे और दो स्तर यहाँ होंगे तो दो 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 तीन स्तर और दो दो यहाँ पर तो टोटल छः अवस्थाएं हो गई छः स्तर हो गए और तीन अवस्थाएं हो गई ठीक है तो इन्होंने पूछा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत इसमें किस स्तर को सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था कहा है मतलब नैतिक नियमों का बालक पालन करना लग जाता है तो मैंने बताया आपको समाज के नियमों को मानना नैतिक नियमों को मानना पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में होता है पोस्ट मतलब उत्तर आ, इसे अंग्रेजी में कहेंगे कन्वेंशनल स्तर को हम उत्तर सार्वभौमिक अवस्था कह सकते हैं ठीक है पोस्ट कन्वेंशनल परंपरागत मतलब उत्तर परंपरागत स्तर हो गया है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है तो घनिष्ठ मित्रता यानी मित्रता टूटती ना टूटे ना या टूटे तो फिर जुड़े ना तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था की जिसमें बेस्ट फ्रेंड बनते हैं बेस्ट फ्रेंड बाल्यावस्था में नहीं बनते बाल्यावस्था में तो बनते हैं टूट जाते हैं रोजाना खेल में नए बच्चे दोस्त बनेंगे फिर वो नए बनते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते हैं बालक जिनके साथ खेलता है उन्हें दोस्त मानता है बाकी नहीं तो किशोरावस्था में बालक, बालक बेस्ट फ्रेंड बनाता है घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति उनमें होती है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल और बाल्यावस्था को बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल किसने कहा दो चीजें देखिए दो प्रश्न बन बन गए यहां पे। जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था को मिथ्या काल और समाजीकरण समाजीकरण प्रतिद्वंदिता का, प्रतिद्वंद काल बाल्यावस्था की बात हो रही है बाल्यावस्था के प्रश्न पूछ रहा हूं ऊपर किशोरावस्था का प्रश्न है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा यहां आंसर करना है और बाल्यावस्था को अनोखा काल मिथ्या परिपक्वता का काल समाजीकरण प्रतिद्वंद काल निरुद्देश्य भटकने का काल निरुद्देश्य भटकने का काल ये सब किसने कहा है तो अनोखा काल तो कहा है काल ब्रूस ने ठीक है और मिथ्या कहा है मिथ्या परिपक्वता रॉस ने कहा है आभासी परिपक्वता कह सकते हैं मिथ्या कह सकते हैं ठीक है छदम कह सकते हैं झूठा कह सकते हैं स्थिरता कह सकते हैं समाजीकरण प्रतिद्वंद कहा है किल पैट्रिक ने किल पैट्रिक ने और सिरिल बर्ट ने कहा है निरुद्देश्य भटकना सिरिल बर्ट इन्होंने कहा है यह बाल विकास के बाल्यावस्था के चार स्टेटमेंट हो गए मोस्ट मोस्ट और किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल जो कहा है वो है किल पैट्रिक द्वारा कहा गया है तो ऑप्शन याद रखना है किल पैट्रिक करेक्ट आंसर है किल पैट्रिक और तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने किसे किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने क्या कहा है तूफान व तनाव का काल व तनाव का काल तो ये कई सारे स्टेटमेंट हो गए हैं एक ही प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है संवेगात्मक समस्या समायोजन की समस्या शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र होते हैं और तो उपयुक्त तो सभी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो दोस्तों ये है आज के कुछ प्रश्न भाग दो अगले वीडियो में इसी तरह से डेली बेसिस पर आपके लिए लाए जाएंगे प्रश्न बने रहे साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद